हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू इन माय यूट्यूब चैनल एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट दैट IIM का टॉप। तो यहाँ पे जितने भी टॉप बी स्कूल्स हैं IIM हैं, तो उनके यहाँ पे कट ऑफ मिलेंगे इसमें। और इस जो ये एक्सेल है, इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो ये सारे IIM के कट ऑफ। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने माना है। तो जिन लोगों ने भी अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप की आपको वीडियो और MBA से रिलेटेड आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो वो सारा गाइडेंस आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो FMS दिल्ली है, FMS दिल्ली के आप कट ऑफ देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि इनटेक कितना है, शॉर्टलिस्टेड कितना है, सीट फिल्ड हुई थी वो कितनी हुई थी। और ये यहाँ पे डेट वाइज भी, जैसे कि बहुत सारे कट ऑफ लिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे डेट वाइज भी लिखा हुआ है कि इतनी डेट को इतनी आई थी, और जनरल में इतनी वेटिंग लिस्ट कवर हुई थी, और EWS में इतनी वेटिंग, EBC में। तो ये डेट वाइज भी पूरा डेटा दिया हुआ है, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो। और ये 2021 और 23 बैच के लिए था, और ये 20 और 22 बैच के लिए FMS का कट ऑफ दिया गया है। तो ये यहाँ पे देख सकते हो इनटेक जनरल की, मतलब टोटल इनटेक रहता है 275, तो उसमें से जो जनरल का इनटेक रहता है वो 101, और EWS का 25, OBC का 69, और SC का 37, ST का 19, और अदर्स का 24। तो और शॉर्टलिस्टेड लगभग 1010 लोगों को किया गया था, और लगभग आप यहाँ पे देख सकते हो कि जितनी भी सीट्स हैं उसका 10 गुने लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। और यहाँ पे फिर सीट फिल्ड होती हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो EWS में 25 सीट हैं, तो 250 पीपल वर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड। और यहाँ पे जो लिस्ट थी वो आई थी, और स्टाफ से जो दिए कट ऑफ थे वो दिए गए थे और रिलीज हुए थे। तो ये 1921 बैच का है, तो आप ये सारे ईयर्स का कट ऑफ यहाँ पे देख सकते हो। तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना वेटिंग लिस्ट है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका कितना वेटिंग लिस्ट है, और तो आपके कितने चांसेस हैं। और यहाँ पे CS भी है, तो मैंने CS की वीडियो भी अलग से डाली है, तो आप वो भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे डिटेल ऑफ 2018 और 20 का, तो ये हम अभी FMS दिल्ली का देख रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे कॉलेजेस हैं, और यहाँ पे आप ऊपर साइड देख सकते हो सारे कॉलेजेस हैं। IIM कलकत्ता, IIM अहमदाबाद, IIM बेंगलोर, XLR, IIM कोझिकोड़े, IIM लखनऊ, IIM इंदौर, IIFT, IIM शिलांग, IIM तिरुची, IIM रांची, IIM उदयपुर, IIM रायपुर, IIM रोहतक, IIM काशीपुर, IIM नागपुर, IIM विशाखापट्टनम, अमृतसर, बोधगया, सिरमौर, संबलपुर, IIM जम्मू। तो आप ये सारे IIM की चेक कर सकते हो। आपको जब क्या करना है, जैसे अभी FMS दिल्ली का देख रहे थे हम, आपको IIM कलकत्ता का देखना है, तो आप IIM कलकत्ता का देख सकते हो 2020 बैच का। तो इसका सेक्शनल मतलब इनटेक इतना रहता है 480, और इतने लोगों को शॉर्टलिस्टेड करता है 1852, और सीट फिल्ड 480। तो ये इस हिसाब से पूरा है, तो ये आप देख सकते हो। इसका 1921 बैच का देख सकते हो, 8020 का देख सकते हो, ये IIM कलकत्ता का है। आइए चलिए चलते हैं अब हम IIM अहमदाबाद के लिए। तो IIM अहमदाबाद का इनटेक है 394, और ये लगभग 1240 लोगों को शॉर्टलिस्टेड करता है, और सीट फिल्ड हुई थी 392। तो यहाँ पे ये पूरा डिटेल्स दिया गया है, इस टाइप से आप भी देख सकते हो। और 1921 का आप देख सकते हो 385 सीट थी, इतना इनटेक था। और तो ये पूरा डिटेल दिया गया है, तो इससे आपको क्या है, एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि आपका कितना है और आप कितने पे शॉर्ट लिस्टेड हो सकते हो। ये IIM बेंगलोर का है, तो ये यहाँ पे सारे ही जितने IIMs हैं, सारे IIM का दिया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप का डेटा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। और आप XLRI का देख सकते हो कि XLRI को पता है आपको कि HRM और BM दो कोर्स कराता है, और इस साइड HRM का दिया है, साइड BM का दिया है, तो आप देख सकते हो इस टाइप से। और ये पूरा दिया गया है कि इतने लोग शॉर्टलिस्टेड हुए थे, इतनी सीट्स, और ये 1921 का HRM का डेटा है, तो आप ये भी देख सकते हो। तो यहाँ पे IIM कोझिकोड़े का देख लेते हैं, तो ये इनटेक है, और इतने लोगों को लगभग जितनी भी सीट्स रहती हैं उससे 10 जो लगभग 10 गुना लोगों को यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड किया जाता है।
मोस्ट ऑफ दी लाइक ऐसे 480 सीट्स हैं, तो लगभग 4,000 मतलब ज़्यादा ही लोग, मतलब लगभग इतना तो हो गई, तो लगभग 4,000 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया था। तो अभी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद हम देखते हैं लखनऊ का, तो यहाँ पे इनटेक है और शॉर्टलिस्टेड हैं, और यहाँ पे 21-23 का आप देख सकते हो, और ये पूरा जो CS है वो भी मैंने आपको कैलकुलेट करना बताया है बहुत सारी वीडियो में, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ये 20 और 22 बैच का है, तो इस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो 20-21 बैच का है लखनऊ का, और डिटेल ऑफ 18-20 का देख सकते हो। तो यहाँ पे पूरा इनका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो यदि आप शॉर्टलिस्टेड हो तो। और फिर यहाँ पे देखते हैं हम IIM इंदौर का, तो ये IIM इंदौर का 2022 बैच का है, तो ये आप देख सकते हो सेक्शनल इनटेक है 487 का, शॉर्टलिस्टेड 4976 हुए थे, और ये पूरा दिया गया है यहाँ पे, और ये 2021 बैच के दिया गया है, तो इतने शॉर्टलिस्टेड हुए थे, इतना इंटेक था, इतनी सीट फिल्ड हुई थी और इतने शॉर्टलिस्टेड हुए थे। और ये साइड में CS दिए गए हैं कि आपका इतना CS भी आएगा तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन होने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, तो इस हिसाब से आप देख सकते हो IIM इंदौर में। और IIM इंदौर आपके एकेडमिक को काफ़ी 10th 12th ग्रेजुएशन को काफ़ी वेटेज देता है, तो यदि आपका वहाँ पे अच्छा है तो हो जाएगा। और ये है डेटा ऑफ IIFT, तो IIFT का डेटा मिलना काफ़ी टफ होता है, फिर भी मैंने कैलकुलेट किया है और कलेक्ट करके आपको दिया है, तो ये आप देख सकते हो ये तीनों कैंपस हैं उनका, आप देख सकते हो IIM दिल्ली, IIFT दिल्ली, IIFT कोलकाता और एक काकीनाडा है, लेकिन यहाँ पे कैंपस का दिया गया है, तो आप IIFT का भी देख सकते हो। IIM शिलोंग का ये 18-20 बैच का है, और IIM त्रिची का भी आज ही रिजल्ट अनाउंस हुआ है, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो ये 2022 बैच का है, और 93, 23, 62, 35, 70 यानी तो टोटल 230 सीट्स थी, और यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो डेटा जो भी है। और CS ऑफ द लास्ट कैंडिडेट, तो यहाँ पे CS दिए गए हैं और पूरा डिटेल दिया गया है, और डिटेल ऑफ 1921 बैच का दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 1820 बैच का दिया गया है। तो IIM तिरुची का डेटा बहुत मुश्किल से मिलता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो, और अभी भी जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और IIM रांची का डेटा मिलना काफ़ी टफ होता है, तो अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं मिला है, अभी 1820 का ही बस है एग्जैक्ट है, तो IIM रांची। तो फिर हम आते हैं IIM उदयपुर पे, तो IIM उदयपुर भी आपके लिए एक बेस्ट चॉइस बन जाता है, तो IIM उदयपुर का भी आप देख सकते हो 2022 बैच के लिए ये पूरा है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये CS हैं उसका ले सकते हो आप, और 1921 बैच का है ये IIM उदयपुर के लिए, और उसके बाद 1820 बैच के लिए IIM उदयपुर का। एंड देन कम्स फॉर IIM रायपुर, तो IIM रायपुर का देख सकते हो आप इतना इनटेक है, इतने लोगों को शॉर्टलिस्टेड किया गया था, और ये यहाँ पे आप देख सकते हो CS कैलकुलेट है पूरा पूरा, ये प्रॉपर एक्सेल बनाया गया है 1921, और ये सारा आप देख सकते हो ये 1820 बैच के लिए था। और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो IIM रोहतक के लिए, तो IIM रोहतक का भी इतने लोगों को शॉर्टलिस्टेड करता है, और ये CS वगैरह आप देख सकते हो 1921 का देख सकते हो कि कितने इनटेक है और कितने शॉर्टलिस्टेड हुए थे, और 1820 का भी आप देख सकते हो। नाउ कम्स टू IIM काशीपुर, तो IIM काशीपुर का अभी डेटा में 1921 बैच का है, तो ये यहाँ से देख सकते हो, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। और ये पूरा CS ऑफ लास्ट कैंडिडेट गिवन एडमिशन, तो ये पूरा दिया गया है सारा कुछ, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हो। एंड देन कम्स टू IIM नागपुर, तो IIM नागपुर का भी हाल ही में कैंपस, न्यू कैंपस भी बन गया है, तो आप IIM नागपुर भी एक आपके लिए एक बेस्ट चॉइस हो सकता हो जाता है, तो यहाँ पे आप IIM नागपुर का देख सकते हो लाइक जनरल उतना इनटेक है, और ये वेटिंग लिस्ट मूवमेंट डेट वाइज दिए हैं कितनी डेट को इतना हुआ था, और यहाँ पे 1921 है और ये पूरा है, और यहाँ पे 18 और 20 बैच का दिया गया है, तो आप ये भी देख सकते हो। फिर आते हैं हम IIM विशाखापट्टनम, IIM बाईजैक, तो IIM बाईजैक का भी आप डेटा देख सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। देन कम्स टू IIM अमृतसर, तो IIM अमृतसर में है, और IIM अमृतसर का
ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी ये वेट लिस्ट मूवमेंट हैं और सीएस हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हो कि आपका कितना सीएस है और आपके कितने चांसेस हैं आईएम अमृतसर में। देन कम्स टू आईएम बोधगया, तो आईएम बोधगया का भी आप देख सकते हो, आईएम बोधगया का ज़्यादा डेटा है नहीं है। और आईएम सिरमौर, तो आईएम सिरमौर का भी आप देख सकते हो, इतना इनटेक है और शॉर्ट लिस्टेड एंड सीट फिल्ड, एंड दिस इज़ द सेक्शनल इनटेक शॉर्ट लिस्टेड सीट फिल्ड, तो ये पूरा डेटा दिया गया है आईएम सिरमौर का। देन कम्स टू आईएम संबलपुर, तो ये आईएम संबलपुर का दिया गया है और पूरा डेटा है और यहाँ पे वेट लिस्ट मूवमेंट दिया गया है और सीएस ऑफ द लास्ट कैंडिडेट दिया गया है कि इतना होगा, तो जनरल कैटेगरी का दिया गया है ये, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिर 1921 बैच का दिया गया है और 1820 बैच का दिया गया। और फिर आते हैं लास्ट आईएम का, जो कि आईएम जम्मू, तो आईएम जम्मू का आप देख सकते हो ये 20 और 22 बैच का है और यहाँ पे सीएस दिया गया है और डिटेल ऑफ 1921 और यहाँ पे 8020, तो ये पूरा है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो आईएम का डेटा मेरे पास आया था कलेक्ट किया मैंने, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये वीडियो काफ़ी कैड एस्पिरेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि आप यदि लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे भी इंस्पिरेशन मिलता है इस टाइप की वीडियो लाने के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।